मौजूद है मुंबई के अंधेरी इलाके में। यहाँ पर स्थित है गणपति बप्पा का स्टॉल। इस स्टॉल पर आकर हमने यहाँ के जायजा लेने की कोशिश की और ये जानना चाहा कि किस तरह से गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी शुरू की गई है। आपको बता दें कि अगले महीने की 25 तारीख को गणपति बप्पा का आगमन शहर में होने वाला है। गणपति बप्पा के आगमन से पहले ही मूर्तिकार और तमाम लोग जो इस व्यवस्था से जुड़े होते हैं वो लोग अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं। तो किस प्रकार की इनकी तैयारियां चल रही है ये जायजा लेने के लिए हमने इस स्टॉल का दौरा किया। आइए हम बात करते हैं दुकानदार से। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम योगराज गोसावी, ओमकार आर्ट, अंधेरी वेस्ट माड़ा के सिग्नल पे ये स्टॉल है अपना। हर साल की तरह इस साल भी अपना ये स्टॉल लगा है, जैसे कस्टमर्स की डिमांड है उस तरीके से। इस बार जीएसटी को लेकर क्या तकलीफें आ रही हैं मूर्ति की? जीएसटी को लेके सर रास्ते पे चल रहा है बच्चा, वो भी बता देगा क्या तकलीफ है। एक्चुअली जीएसटी से कैसा हो गया है, पीओपी का माल का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है और रेट्स में फ़र्क आ गया है, और अभी कस्टमर को कैसे समझाए। और हर एक कस्टमर हर साल की तरह अपना एक बजट सोच के आता है, मतलब उनके घर में जो मूर्तियाँ बैठती है, मूर्तियों से लेके उनका पंडाल जो भी है, अभी उनके घर का बजट है। अभी हम भी हमारे घर में कुछ प्रोग्राम्स करते हैं तो उसका एक फिगर एक बजट होता है, तो उस तरीके से। और पीओपी महंगी, मिट्टी महंगी होने से, हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से कस्टमर को हमें थोड़ा, और आपने देखा ही होगा 28% बढ़ गया इस पर भी, तो अभी क्या करें और कस्टमर को कैसा कन्वेंस करें। कस्टमर को लगता है ये लोग ये कर, जैसा कि हमेशा हमने देखा है कि गणपति बप्पा के आगमन के 2-3 महीने पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है, तो इस बार ये तैयारी बहुत लेट शुरू हुई ऐसा दिखा। सर लेट शुरू हुई, कस्टमर अपनी जगह ठीक है, हम लोग भी ठीक है, पर जीएसटी बीच में आ गई है, बरोबर कि नहीं? जीएसटी आ गई बीच में और उससे जीएसटी का मार पड़ने लग गया है आम इंसान पे। जिसका बजट है वो जो फिगर नहीं सोच के आता उसके लिए ठीक है, पर जो बंदा हर साल की तरह अपना फिगर एक सोच के चलता है कि इतने में मुझे मूर्ति जमती है, इतने में मेरे पंडाल का भाड़ा है, फिर उसके बाद उसका भंडारे का, खाने का, पीने का, लोगों को दर्शन का, बहुत सारा खर्चा होता है, तो अभी वो कस्टमर तो हमेशा की तरह पिछली बार की ऑर्डर से लेकर इस बार के ऑर्डर में कुछ फ़र्क आपको ऐसा महसूस हुआ? नहीं, फ़र्क की तो ऐसा फ़र्क की कोई मुझे लगती नहीं गुंजाइश, क्योंकि अभी तक तो गणपति का भी श्रावण का मेरे ख्याल से ये पहला सोमवार गया है, अभी हमको पता चलेगा। पर मुझे तो लगता है कि भगवान करे ऐसा कुछ नहीं होए, और जो गणपति बापा की मूर्तियाँ स्थापना करते हैं घर में, और वो जीएसटी के मार से तो ये करेगी नहीं। बेचारे मोदी जी हम पे तो इतना लोड लाते ही है, अभी देखते हैं कब तक गरीब इंसान झेल सके इसको। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि पिछली बार के ऑर्डर में और इस बार के ऑर्डर में क्या फ़र्क पड़ा? नहीं नहीं, ऑर्डर में तो कुछ फ़र्क अभी तक तो फ़िलहाल पड़ा नहीं है सर, और ऑर्डर में पड़ेगा भी कैसा? अभी रास्ते, अभी मोदी जी क्या कपड़े पे इतना महंगा लगा दे, कपड़े पे इतना सब टैक्स लगा देंगे जीएसटी वगैरह, तो क्या कपड़ा पहनना छोड़ देगा क्या इंसान? हाँ, पेट्रोल पे लगा देगा, पेट्रोल भरना छोड़ देगा क्या गाड़ी में? ऐसा तो कुछ अभी तक तो नहीं पता चला है, क्योंकि अभी तो मेन श्रावण का सीज़न चालू हुआ है, तो उसमें पता चलेगा। और मुझे तो लगता नहीं होगा, गणपति बप्पा करे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने कस्टमर्स के लिए इतना मूर्तियाँ सब ला के रखा है, और उसमें अभी का जो सेकेंड स्टॉक है, हम लोगों ने जो 30 जून से पहला जो भर के रखा था मूर्तियाँ वो ठीक है, और उसके बाद कैसा हो गया, मार्केट में पीओपी का माल आना बंद हो गया है, पीओपी की टेम्पो जो आती थी मूर्तिकारों के पास वो आनी बंद हो गई है, जीएसटी के वजह से पूरा बाज़ार बंद पड़ा है। आपने देखा होगा मेरे पास अनेक तरीके से डायमंड किया हुआ भी मूर्तियाँ है, तो जो स्टोन के वजह से हम लोगों का मलाड का बाज़ार हो गया, बॉम्बे का बाज़ार हो गया, ये पूरा बंद है, थोड़े दिन बंद था, तो उसका फटका हम लोगों को पड़ा है। कस्टमर तो बुकिंग करके जाएंगे, पर उनको वक्त पे चीज़ देना कंप्लीट करके ये हम लोगों का फ़र्ज़ है, इसीलिए थोड़ा वो फ़र्क फटका मुझे पड़ा है। नहीं तो जीएसटी के हिसाब से जो मूर्तिकार, जो मूर्तिकारों पे क्या असर पड़ा है वो बताइए। मूर्तिकारों, मैं वही बता रहा हूँ सर, मूर्तिकारों पे जीएसटी की वजह से मार्केट बंद था, 10 से 15 दिन मार्केट बंद था, और वो हम लोगों के लिए आगे चल के एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कस्टमर बहुत जिम्मेदारी से बुकिंग इसीलिए करके जाते कि उनके पसंद के मूर्तियाँ मिले, उनके पसंद की मूर्तियाँ मिले, उनके पसंद का उस पर काम होवे, और वो हम लोग पे इतना जिम्मेदारी से देखे जाते हैं, और जीएसटी के मार के वजह से मार्केट बंद पड़ा हुआ है, तो हम लोग माल कहाँ से उठाए और काम कहाँ पे करें, आप बोलो ना। हम लोग तो स्टॉक में भर के नहीं रखेंगे, हम लोगों को पता भी नहीं था कि जीएसटी के मार से ये फ़र्क पड़ने वाला है। 10 से 15 दिन हम लोग थोड़े स्लो हो गए, और वो 15 दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जीएसटी की वजह से भगवान महंगे हो गए हैं क्या? हाँ, भगवान तो महंगे ही हो गए,
वो क्योंकि 28% कम नहीं होता है सर वहाँ से, मुझे मूर्तियाँ महंगी आएगी तो मैं कस्टमर्स को मूर्तियाँ महंगी बेचूँगा, सीधी ऑब्वियसली सीधी बात है, क्योंकि जो मुझे महंगी आएगी और मैं सस्ते में बेचूँ तो मतलब। तो ये थे योगराज गोसावी हमारे साथ जो मूर्तिकार हैं, इन्होंने बताया कि किस तरह से मूर्ति महंगी हुई है और किस तरह से GST की मार इस व्यवसाय पर भी पड़ी है। तो आपने देखा कि GST की वजह से न सिर्फ आम आदमी बल्कि इस GST की मार भगवान को भी पड़ी है। कैमरामैन देवानंद के साथ अनिल सिंह, इन 24 न्यूज़, मुंबई।